चलाना इन इंग्लिश, क्या आपको पता है चलाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पता है तो बताओ। देखो, तू इतनी जुबान क्यों चलाता है? वो हमेशा मेरी शादी की बात चलाता है, वो 500 रुपए में पूरा हफ्ता चलाता है, वो हमेशा अपनी चलाता है। अलग अलग चलाना है, लेकिन इस अलग अलग चलाने के लिए इंग्लिश में वर्ड भी अलग अलग आएगा। क्या क्या आएगा वही तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरा नाम है सुनील, मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से हिंदी का एक ही वर्ड चलाना, लेकिन इंग्लिश में उसके लिए आएंगे अलग अलग वर्ड्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उसने किस पर गोली चलाई, ये हमारा पहला सेंटेंस। चलाना दिखाई दे रहा है ना आपको यहाँ पे। अब गोली चलाने को इंग्लिश में शूट करना बोलते हैं। प्रेपोजिशन उसके साथ आएगी एट। हु डिड ही शूट एट। उसने किस पर गोली चलाई। हु डिड ही फायर एट, आप फायर का भी यूज कर सकते हैं। हु डिड ही फायर एट। क्यों चलाता है तू इतनी जुबान, इंग्लिश में बोलो व्हाई डू यू कीप गोइंग ऑन एंड ऑन। व्हाई डू यू कीप गोइंग ऑन एंड ऑन। इफ समवन गोज ऑन एंड ऑन, इट मींस ही कीप्स टॉकिंग अबाउट समथिंग। सो व्हाई डू यू कीप गोइंग ऑन एंड ऑन, और यू कैन से व्हाई डू यू रन योर माउथ सो मच। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दिस, व्हाई डू यू रन योर माउथ सो मच। Why don't you ever zip your lip? Why don't you ever zip your lip? कि अपने लिप को कभी zip क्यों नहीं करता है, कभी क्यों नहीं चेन बंद कर देता उसकी। Why don't you ever zip your lip? तो मतलब जुबान बंद क्यों नहीं करता, कहने का मतलब वही आ रहा है कि जुबान क्यों चलाता रहता है इतनी। अब मैं आपको बताऊंगा, जब हम चलाने शब्द का यूज करते हैं व्हीकल्स के लिए या मशीनों के लिए, इस मशीन को चलाना, उस चीज को चलाना, उसको क्या क्या बोलते हैं। देखो आप समझेंगे, साइकिल चलाना राइड अ बाइसिकल, नाव चलाना सेल अ बोट, बोट को सेल करना कहते हैं, मतलब बोट को चलाना। कार चलाना ड्राइव अ कार, ड्राइव अ कार। हेलीकॉप्टर चलाना पायलट अ हेलीकॉप्टर, पायलट अ हेलीकॉप्टर। जहाज चलाना, पानी के जहाज की बात हो रही है, मनूवर अ शिप, एक शिप को मनूवर करना। मनूवर का यूज आप दूसरे तरह के व्हीकल्स के लिए भी कर सकते हैं, जब बहुत तरीके से चीजों को इधर उधर डायरेक्शन को कंट्रोल किया जाता है ना, उसको मनूवर करना बोलते हैं। ठेला चलाना, ठेला जानते हो ना आप, इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टीयर अ व्हील बैरो, स्टीयर अ व्हील बैरो। क्रेन चलाना ऑपरेट अ क्रेन, ये जो ऑपरेट वर्ड है ना, इसका आप हर उस जगह यूज करो जब आप किसी मशीन की बात कर रहे हो। एक तरह की मशीन है, टेक्निकल चीजें हैं, आपको सीखना पड़ता है उसे, आप उसे ऑपरेट कर रहे हो, सो ऑपरेट अ क्रेन। कंप्यूटर चलाना यूज अ कंप्यूटर, सिंपल वर्ड्स में हम यही बोलते हैं यूज अ कंप्यूटर। हालांकि ऑपरेट अ कंप्यूटर बोल सकते हैं, बट आम बोलचाल की भाषा में आई एम ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर ये नहीं बोलते, आई एम यूजिंग अ कंप्यूटर, आई एम वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर, ऐसे ही बोलते हैं। एसी चलाना, अब एसी चलाने का मतलब क्या होता है, एसी को ऑन कर देना होता है ना, सो टर्न ऑन एन एसी। वैक्यूम क्लीनर चलाना ऑपरेट अ वैक्यूम क्लीनर, इट्स अ काइंड ऑफ मशीन, तो आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं, सो ऑपरेट अ वैक्यूम क्लीनर। आरा चलाना, आरा ये होता है, हैंडल अ चेन सॉ, हैंडल अ चेन सॉ। हाँ, इसे इंग्लिश में चेन सॉ बोलते हैं, तो इसको हैंडल करने की बात हो रही है। फोन चलाना यूज अ फोन, यूज अ फोन। ऑपरेटर फोन भी बोल सकते हैं, लेकिन कौन बोलता है भाई, सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे यूज अ फोन, यूज अ फोन। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना फोन का उपयोग करना, लेकिन क्या हम ऐसे बोलते हैं, मेरा दोस्त बहुत फोन का उपयोग करता है, हम ऐसे ना बोलकर ये बोलना ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, बहुत फोन चलाता है मेरा दोस्त, तो आसान भाषा में बोलते हैं ना, वैसे इंग्लिश में भी आसान भाषा में ये बोलेंगे यूज अ फोन। ही यूजेस हिज फोन टू ऑफन, और ही यूजेस हिज फोन टू मच, ही इज ऑलवेज ग्लूड टू हिज फोन, हमेशा अपने फोन से वो ग्लूड रहता है, चिपका रहता है एक तरह से। लेट्स इंप्रूव इंग्लिश। ये दुकान कौन चलाता है, तो इंग्लिश में कहेंगे हु रन्स दिस शॉप। किसी तरह का एक बिजनेस चलाने की बात हो रही है, जैसे दुकान चलाना, कंपनी चलाना, ठीक है, बुटीक चलाना, कुछ चलाने की बात हो रही है, रन का यूज करो। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं हु इज इन चार्ज ऑफ दिस शॉप, हु इज इन चार्ज ऑफ दिस शॉप, कहने का मतलब वही होगा, वो वीडियो दोबारा चलाना एक बार। आजकल वीडियोस का जमाना है, ये वीडियो चलाना, वो वीडियो चलाना, तो वीडियो चलाने के लिए बोलेंगे प्ले अ वीडियो, प्ले दैट वीडियो वन मोर टाइम, एक बार और उस वीडियो को चलाना, प्ले दैट वीडियो वन मोर टाइम। क्योंकि फिर से चलाने की बात हो रही है, तो आप रीप्ले भी कह सकते हैं, रीप्ले दैट वीडियो, रन दैट वीडियो अगेन। इस वक्त गाने मत चलाओ, तो इंग्लिश में बोलो डोंट प्ले सॉन्ग्स राइट नाउ, डोंट पुट ऑन एनी सॉन्ग्स एट द मोमेंट, डोंट पुट ऑन एनी सॉन्ग्स
और डोंट प्ले एनी सॉन्ग्स एट द मोमेंट। अच्छा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में ना, जब हम ऐसे बोल रहे होते हैं, मान लो कोई गाने चलाना शुरू कर रहे हैं, नहीं गाने नहीं, गाने नहीं इस वक्त, नो सॉन्ग्स राइट नाउ, तो इस तरीके से ही बोल सकते हैं हम शॉर्ट में, नो सॉन्ग्स राइट नाउ। कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, ना प्ले ना पुट ऑन, सीधा बोल दिया नो सॉन्ग्स राइट नाउ। वो हमेशा अपनी चलाता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे He always gets his own way। वैसे मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बताई है ये चीज कि वो अपनी चलाता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेकिन क्योंकि ये वीडियो स्पेशली मैं चलाने के ऊपर बना रहा हूँ, तो इससे ऊपर जो जो भी मेरे दिमाग में है सब मैंने यहाँ पर इस वीडियो में रखा है। ही ऑलवेज बॉसेस अराउंड, वो हमेशा बॉस अराउंड करता रहता है, बॉस बना रहता है, दादागिरी करता है, ये करो वो करो, सबको ऑर्डर अराउंड करता रहता है। सो ही ऑलवेज गेट्स हिज ओन वे और ही ऑलवेज बॉसेस अराउंड। घर तो वही चलाता है, अब यहाँ घर चलाने का मतलब क्या है, घर के खर्चे उठाता है वो। सो ही इज द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, ही इज द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, जो घर का खर्चा चलाता है उसको इंग्लिश में ब्रेड विनर कहते हैं। ही प्रोवाइड्स फॉर द फैमिली, तो प्रोवाइड फॉर का भी आप यूज कर सकते हैं, ही प्रोवाइड्स फॉर द फैमिली, कि फैमिली के लिए प्रोवाइड वही करता है, वही खर्चा चलाता है। सब्जी में चम्मच चला दो, ये अलग तरह के चलाने की बात हो रही है, सब्जी बन रही है उसमें चम्मच चला दो नहीं तो जल जाएगी भाई। सो स्टर द करी विद अ स्पून, तो उसको स्टर करना कहते हैं, स्टर द करी विद अ स्पून। हाँ, ये बात आप याद रखो, किसी भी तरह की सब्जी है, सब्जी को इंग्लिश में वेजिटेबल बोलते हैं, पर जब वो बन रही होती है तो उसको हम करी बोल सकते हैं। आलू की सब्जी पोटैटो करी, शिमला मिर्च की सब्जी कैप्सिकम करी, गाजर की सब्जी तो कहेंगे कैरेट करी, तो इस तरह आप बोल सकते हैं। मिक्स द करी विद अ स्पून, तो आप डायरेक्ट मिक्स भी बोल सकते हैं, या फिर गिव द करी अ स्टर विद अ स्पून, गिव द करी अ स्टर, इस तरीके से बोला जाता है, गिव द करी अ स्टर, उसको एक स्टर दो। जैसे हम ट्राई समथिंग की जगह बोल सकते हैं गिव इट अ ट्राई, है ना, उसी तरह स्टर द करी की जगह हम बोल सकते हैं गिव द करी अ स्टर। क्या तुम पूरा हफ्ता 500 रुपए में चला लेते हो, सिर्फ 500 रुपए में, यहाँ अलग मतलब है, मतलब 500 रुपए में गुजारा करने की बात हो रही है, उसी में गुजारा करने की बात हो रही है, खर्चा चलाने की बात हो रही है। कैन यू मेक इट थ्रू द वीक विद ओनली 500 रुपीज, कैन यू मेक इट थ्रू द वीक, मेक इट थ्रू द वीक मतलब पूरा हफ्ता गुजार देते हो 500 रुपए में ही, यू डोंट स्पेंड एनीथिंग, यू डोंट स्पेंड मोर देन दैट। डू यू गेट बाय फॉर द एंटायर वीक ऑन जस्ट 500 रुपीज, सिर्फ 500 रुपए में पूरा हफ्ता चला लेते हो। आर यू एबल टू सर्वाइव द होल वीक विद ओनली 500 रुपीज। वो सोते वक्त हाथ पैर चलाता है, हाथ पैर चलाता है, इंग्लिश में हाथ पैर चलाने को फ्लेल करना बोलते हैं, ही फ्लेल्स वाइल स्लीपिंग, यानी सोते वक्त वो फ्लेल करता है। वी डोंट वांट टू यूज द वर्ड फ्लेल, फ्लेल यूज नहीं करना, अगर तो बोलो ही मूव्स अराउंड लॉट वाइल स्लीपिंग। अगर आप ये कहना चाहते हो करवटे बदलता है, तो ही कीप्स टॉसिंग एंड टर्निंग इन हिज स्लीप, आप इस तरह कहेंगे। उससे मेरी शादी की बात चलाओ, ये देखो ये चलाना बिल्कुल अलग है ना, मतलब ये चीज सामने लाओ लोगों के, इस चीज को लाओ, बात करो, इस चीज को इंट्रोड्यूस करो लोगों को। सो ब्रिंग अप द आइडिया ऑफ मी एंड हिम टाइंग द नॉट, मतलब ये एक बात चलाओ लोगों के बीच में, ब्रिंग अप द आइडिया, इस आइडिया को लेकर आओ, ब्रिंग अप द आइडिया ऑफ मी एंड हिम टाइंग द नॉट। वैसे अगर यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि ग्रामेटिकल सेंस में बात करें, तो ग्रामेटिकली इस सेंटेंस को हमें करेक्ट बनाना है, तो हमें यहाँ पे माय एंड हिज टाइंग द नॉट बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे और उसके शादी करने की बात हो रही है। वैसे बाय द वे टाई द नॉट इज एन idiom जिसका मतलब होता है शादी करना। सो ब्रिंग अप द आइडिया ऑफ माय एंड हिज टाइंग द नॉट, बट क्या होता है कि आम बोलचाल की भाषा में ये एक्सेप्टेबल हो चुका है ना, तो जैसे आई डोंट लाइक यू शाउटिंग एट मी, आई डोंट लाइक योर शाउटिंग एट मी, ये सही है ग्रामर के हिसाब से, लेकिन ऐसे बोल देते हैं आई डोंट लाइक यू शाउटिंग एट मी, इस तरीके से कॉमन हो गया स्पीकिंग में। सजेस्ट द आइडिया ऑफ मी मैरिंग हिम, फिर से माय मैरिंग हिम होना चाहिए, बट एक्सेप्टेबल, इट्स एक्सेप्टेबल इन स्पीकिंग। सजेस्ट द आइडिया ऑफ मी मैरिंग हिम, ये आइडिया सजेस्ट करो ना, सबको सलाह दो ना कि मैं उससे शादी कर सकता हूँ। ब्रिंग अप द पॉसिबिलिटी ऑफ आर मैरिज, ब्रिंग अप द पॉसिबिलिटी ऑफ आर मैरिज, कि हमारे मैरिज की भी पॉसिबिलिटी है, वो एक बार बात चलाओ ना इस बारे में। ज्यादा दिमाग मत चलाए कर अपना, जैसे कोई बहुत ज्यादा दिमाग चला रहा है, गलतियां कर देता है, फिर हम गुस्से में बोलते हैं ना क्यों ज्यादा दिमाग चलाता है अपना। डोंट यूज टू मच ऑफ योर ब्रेन, डोंट यूज टू मच ऑफ योर ब्रेन, दिमाग चलाना मतलब ब्रेन को यूज करना, राइट। और डोंट बी टू स्मार्ट, डोंट ट्राई टू बी टू स्मार्ट, इतना स्मार्ट बनने की कोशिश मत किया कर। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसी तरह से अगर आप वीडियोज देखकर अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।